Joseph Morales in class 9. I am going to tell you about circulatory system. In complex organisms like the animals, trees and humans, we are deficient current to serve the function of transportation of substances. Because this is slow process and is effective for a small area. So we may have a circulatory system to create transportation of substance. लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर है उसमें डिफ्यूजन जो है वो स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम बहुत ही धीमी गति चलता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्लो प्रोसेस में काम करेगा क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए था, इसीलिए उसको जो इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट मटेरियल के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंप्राइजेस थ्री मेजर कंपोनेंट्स ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट। मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम है तीन मेजर कंपोनेंट्स हार्ट का ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट। ब्लड इज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। इट इज रेड कलर फॉर फ्लूइड। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। ब्लड जो है ये एक मुख्य माध्यम है हमारे शरीर में मटेरियल को पहुंचाने का, और यह रेड कलर का फ्लूइड है। वाटर है और यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन इंजाइम अपने अंदर डिजोल्व करके कैरी करता है। ब्लड ब्लड सेल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में तीन प्रकार का ब्लड सेल्स पर है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर, दिस इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स रेड दे कंटेन रेड कलर इन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन व्हिच इंपैक्ट रेड ब्लड सेल्स। उसमें रेड कलर इन पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन का है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल रहता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन कैरीज वेरियस बॉडी पार्ट। हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। जब ब्लड और ऑक्सीजन एक साथ मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन जाते हैं। इट डिकंपोज रिलीज ऑक्सीजन ओवर ओवर ऑक्सीजन इज नीडेड। हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज होने के लिए सेल और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे शरीर में सारे जगह रन करता है, तो जैसे जानवर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वह सेल के साथ रिएक्ट करके एनर्जी फॉर्म करता है। तो फिर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे